नमस्कार साथियों, मैं रोशन शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी फार्मिंग लीडर। आज का ये वीडियो हमारे एक व्यूअर आलोक कुमार जी हैं, उनके प्रश्न पे आधारित है। चलिए, उनका प्रश्न था, जब साइलेज हम लोग खिलाते हैं तो साइलेज के साथ क्या टॉक्सिन वाइंडर यूज कर सकते हैं, ये उनका प्रश्न था। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कुछ बेहतर टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचा पाऊं, जिससे आपकी डेयरी फार्मिंग, आपकी एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आपको खुद भी नॉलेज गेन करने में मदद करें। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं टॉक्सिन वाइंडर होता क्या है। टॉक्सिन वाइंडर ये दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है, एक टॉक्सिन और एक बाइंडर, दोनों का अलग अलग काम रहता है। टॉक्सिन बाहरी खाद्य पदार्थों के द्वारा पशुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अब ये बाहरी खाद्य पदार्थ जो आप लोग देते हैं या हम लोग जो यूज करते हैं, इसमें टॉक्सिन कैसे जनरेट होता है, आप जरूरी नहीं ये कंपनी के तरफ से हो, जरूरी नहीं कहीं से भी हो, ये आपकी गलतियों के कारण भी टॉक्सिन जनरेट हो सकता है, ये फंगस जनरेट हो सकता है। अदरवाइज कुछ कंपनियां कहाँ पे अपना फीड स्टोर करती हैं, कैसे स्टोर करती हैं, कितना उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, क्या कैसे है, सारी चीज़ें बहुत सारा टर्म है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपका खुद का भी जो फीडिंग प्रैक्टिस होता है वो भी हम लोगों को बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही बर्तन को आप लोग यूज करते हैं कंटिन्यूस, उसमें खल वगैरह फुला करके और फीड करवाना और उसको कंप्लीट वॉशिंग नहीं करते हैं, तो रेगुलर सेम चीज़ें यूज करते ही करते उसमें बैक्टीरिया जो आपको नेकेड आई से नहीं दिख पाएगा, तो खुले आंखों से आप उसे नहीं देख सकते हैं, जो कि धीरे धीरे आपके पशुओं के पेट में जाता है और वो जो ऑफ्लाटॉक्सिन होता है, माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, ये बहुत ही डेंजर होता है, स्लो पॉइजन का काम करता है ये पशुओं में। और ये एक्चुअली खुद ये ट्रेवल नहीं कर सकता है, ये माइकोटॉक्सिन्स जितने भी हैं ये सारे रक्त के स्राव के साथ ये हर एक पार्ट पे ये जा करके वहाँ पे अपना प्रभाव देते हैं। और जैसे आप देखते होंगे कभी पशुओं में पेट फूल जाना टॉक्सिसिटी का भी ये कारण रहता है, और उनका पाचन शक्ति कमजोर हो जाना, या फिर फंगल इन्फेक्शन, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाना, या फिर आप देखते होंगे रिपीट ब्रीडिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है फंगल इन्फेक्शन का, और ये सारा माइकोटॉक्सिन के कारण भी पॉसिबल होता है। और आप एक कुछ हद तक ये भी देखते होंगे, जैसे बच्चा अवॉइड कर देना, या बहुत ही डेंजर स्थिति में मुंह से बहुत पशुओं को देखते होंगे झाग निकल करके और 10-5 मिनट में ही वो इलाज जब तक पहुंची उससे पहले ही वो आपके हाथ से निकल जाती है और वो मर जाती है। टॉक्सिन के कारण अचानक से फीड इंटेक को भी कम कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है, क्योंकि डाइजेशन उनका प्रॉपर नहीं होगा तो फीड इंटेक वो छोड़ेंगे ही, और फीड इंटेक कम होने के कारण वो कम खाएंगी तो ऑब्वियस वीक भी होंगी और मिल्क प्रोडक्शन पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिसको रिकवर करने में आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होंगे दवाइयों में और सारी चीज़ों में, और बाकी मिल्क फ्लो रेशियो भी आपका बेहतरीन नहीं होगा। टॉक्सिन के कारण आपका फार्म लगभग
अमूमन मैं कहूँगा 100% लोगों के पास टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम रहती है और उनका फार्म लॉस में जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये टॉक्सिन रहता है। तो इसी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम लोग टॉक्सिन बाइंडर का यूज़ करते हैं। अब ये स्टार्टिंग में ही बात हुई थी मेरी, टॉक्सिन एंड बाइंडर दो अलग अलग पार्ट मेरी बात हुई थी। तो टॉक्सिन के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये बाइंडर क्या होता है। बाइंडर एक्चुअली, जैसे बाइंडर का मतलब ही है किसी चीज़ को बाइंड करना, किसी चीज़ को बांध करके रखना। तो ये टॉक्सिन को, जो भी माइकोटॉक्सिन्स हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स हैं, इसको ये बांध करके, एक्चुअली ये बाइंडर जो टॉक्सिन बाइंडर जो रहते हैं ये रक्त के साथ ट्रेवल नहीं करते हैं, तो ये ना खुद जाते हैं रक्त के साथ, कहीं ट्रेवल भी ना करने देना, और इसको एक जगह पे इकट्ठा करके बांध करके रखे रहना, ये टॉक्सिन बाइंडर का काम रहता है, इसलिए हम लोग टॉक्सिन बाइंडर। बट हम लोग मेन डिस्कशन था क्या साइलेज में टॉक्सिन बाइंडर दिया जा सकता है। तो मैं इसके लिए एक चीज क्लियरिफाई करना चाहूंगा, गुड साइलेज जो हम लोग तैयार करते हैं, जितना अच्छा कॉम्पेक्शन होगा साइलेज का, साइलेज उतना ही बेहतर, उतना ही अच्छा अनएरोबिक कंडीशन अंदर तैयार होगा, और उसमें अनवांटेड बैक्टीरिया, में पीएच लो होने के कारण अनवांटेड बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं करेगी। तो आपको कहीं से भी टॉक्सिन बाइंडर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको देने की जरूरत तभी पड़ सकती है जब आप उन प्रैक्टिसेस, बैड प्रैक्टिस अपने फार्म पे बैड प्रैक्टिस को यूज करते हैं, अच्छे से साफ सफाई, उसके खल खुरली जो बोलते हैं, नाद जो बोलते हैं हम लोग अपने यहाँ, उसकी साफ सफाई, और जो जिस बर्तन में और भी किसी फीड को देते हैं, या कुछ ऐसा भी फीड कहीं से ला करके देते होंगे जिसमें फफूंद लगा है, बैक्टीरिया लगा है, तो उस सिचुएशन में आपको टॉक्सिन बाइंडर आपको यूज करना अति आवश्यक है। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार हम लोगों को मिलता रहे, और हम लोग आप लोगों के लिए ज़्यादा से अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, जिससे ये नॉलेजेबल चीज़ें हर एक फार्मर तक पहुँच पाए। थैंक यू।